अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, आज का एक और बहुत ही खूबसूरत बहुत अच्छा स्क्रिप्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। बहुत सारे लोग इसको PIBTL से मिक्सअप करते हैं, लेकिन मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बड़े अच्छे बाइंग रेट के ऊपर है। आप 179 आज इसने कर लिया, इसने 166 भी शो किया। अगर 166 पे अगर आप बाय करें या 160 पे बाय करें, वैसे इसने 140 भी लास्ट 52 वीक लो में शो किया। ऐसे टाइम पे मैं समझता हूँ कि मेरे 50% जो सब्सक्राइबर हैं वो जब बहुत बुरी तरह मंदी होती है वो हाथ झाड़ के पीछे हो जाते हैं। हालांकि वो एक बड़ा अच्छा टाइम होता है, उस पर बाइंग करनी चाहिए। आम दाम हर वक्त बाइंग का टाइम नहीं होता। जो आप चीज़ सेल करते हैं, मैंने ये जो कल थर्सडे और वेंसडे वाले दिन की खूबसूरत चढ़ाई थी, उसमें मैंने जो जो कुछ सेल किया, मैंने उसमें से कोई चीज़ बाय नहीं की। लेकिन मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर क्वेश्चन करते हैं कि जी मैं बाइफो वापस बाय कर लूँ। मैंने कहा ना बाय करो, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बता दिया कि मैंने बाइफो बाय कर दिया क्योंकि मुझे 4 रुपये नीचे मिल रहा। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट लेने का शौक नहीं है, बस जल्दी है, हर चीज़ में जल्दी है। बहरहाल हम क्विकली पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड PICT जनवरी टू दिसंबर इसका फाइनेंशियल ईयर है, जैसे तमाम बैंक्स हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू है और आज का रेट 179 है, जो कि इसके 330 टाइम से थोड़ी देर पहले लिया गया। हो सकता है इसमें वेरिएशन हो। फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छा, ये 9 मंथ का रिजल्ट है। सितंबर के 30 को जो क्लोजिंग के बाद जो इन्होंने समरी निकाली, उसमें अर्निंग पर शेयर EPS अर्निंग पर शेयर 23.60 रुपये है, जिसमें से 19.60 रुपये दिया डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को। ये एक किस्म का ऑलमोस्ट 80% है। मैंने बहुत कम स्क्रिप्ट में ऐसा देखा है कि 80% पे ऑफ कर दिया, दे दिया। सो अभी इसने हाफ ईयर में 2 रुपये दिए। उस वक्त मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, तो मैंने कहा ले लो, 160 पे भी मैंने कहा ले लो। लिए हैं लोगों ने, लेते हैं, सुनने वाले भी बहुत हैं। बुक क्लोजर डेट जो है वो 2/11 है, नवंबर की 2 तारीख बुक क्लोजर, और उन्होंने सेकंड डेट कोई नहीं दी, यानी कि एक ही दिन में वो बुक क्लोज कर देंगे। उनका ऑलरेडी हिसाब किताब ये भी बैंकों की तरह होगा। एक्स डेट जो है इसकी भी 29 अक्टूबर को है। लास्ट 52 वीक लो हाई में 140 लो था, ये आइडियल रेट है। इस पे बाइंग मिले तो 5-7-10 हज़ार ले लें, और फॉर गॉड सेक पैसे हाथ में रखें। ये जितना छोटा बारीक कचरा आप लेते हैं, 12 रुपये 9 रुपये गेल फजूल नामुराद शेयर है, ये इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। लास्ट 52 वीक लो हाई में लो था 140 और 204 रुपये हाई लगाया। लास्ट 30 डेज लो हाई में 146 लो था, 171 हाई था। सबसे बेस्ट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर मींस के भी 2020 का जनवरी टू दिसंबर का टाइम टेन्योर, उसमें इसमें लो लगाया 143, बहुत आइडियल रेट है फॉर बाइंग, और 270 सेलिंग रेट है। अगर 270 से पहले आप सेल करेंगे तो आप जुल्म करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बेशक उसके लिए 1.5 साल वेट करना पड़े। हाँ, ये है कि जब बाइंग कर रहे होते हैं तो ऊपर के रेट्स जो बाय होते हैं उनको साथ का साथ सेलिंग लगा के उसको निकाल दिया करें 1-2 रुपये, ताकि आपकी एवरेज नीचे वाली आपको अच्छी एवरेज मिले। बाकी रहे नाम अल्लाह का, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और
अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर करें, जो लोग अपनी फेसबुक पे शेयर करेंगे दैट विल मेक मच ऑफ ए बिग डिफरेंस। और मेरे चैनल को, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं और नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली को रेकमेंड भी करें, शेयर भी करें, उनको इन्फॉर्मेशन भी भेजें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। रब रखा।